आवाज़ सुनिए दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं ये घर में चिप्स की रेसिपी। एकदम परफेक्ट कुरकुरी आलू की चिप्स बनेगी ये रेसिपी के साथ। और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे ये आलू की चिप्स जो हम सभी की फेवरेट होती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ टिप्स और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा इसमें। और जो चिप्स है ना वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। बहुत बार जब हम लोग चिप्स बनाते हैं ना घर में तो क्या होता है, बाहर से चिप्स क्रिस्पी हो जाती है और बीच से कच्ची रह जाती है। वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप ये मेथड फॉलो करो तो। तो चलिए शुरू करते हैं घर में चिप्स बनाने की रेसिपी। दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। चिप्स के लिए हम लोग को आलू चाहिएगा, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा तो रहता नहीं है, मेन चीज़ आलू ही है कुछ टिप्स के साथ। तो कोशिश करिए कि आपको चिप्स वाला आलू आसानी से मिल जाए बाज़ार में। अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसा बोरी ढूंढने का कोशिश करिए। ये जो आलू होता है इसमें पानी कम रहता है और चीनी कम रहती है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी बनता है और लाल नहीं होता है जल्दी से पकते समय। तो ये जो आलू है इसकी स्पेसिफिक वैरायटी भी आती है। मैंने तो आज चिप्सोना वैरायटी इस्तेमाल करी है। इसमें इंदौरी वैरायटी भी आती है और पहाड़ी वैरायटी भी आती है। तो आप कोशिश करिएगा पतले आलू और हल्के से लंबे आलू इस्तेमाल करने की। अगर ज़्यादा मोटे आलू होते तो वो चिप्स जो होती है वो टूट जाती है निकालते समय। तो ये जो आलू है मैंने 7 पीस अभी इस्तेमाल करे हैं। इनको मैं पानी डाल देता हूँ, मतलब पानी में डाल देता हूँ और फिर हम लोग इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। ये हल्के से नए आलू है दोस्तों, इसकी वजह से इसमें मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए अभी मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इसको पील कर लेंगे, मतलब जो पीलर आता है उससे छील लेंगे। और फिर ये जो आलू है ना फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका तैयार। मैं इसको दूसरे बोल में डाल देता हूँ, वैसे ही सारे आलू तैयार कर लूँगा। तो आलू को छीलने के बाद हम लोग इसमें फिर से पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर है ना 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल किया है, आप 2 लीटर भी कर सकते हो। और ये जो पानी है हम लोग इसमें फिटकरी घुमाएंगे। फिटकरी से क्या होगा, जो भी सरफेस स्टार्च है ना, मतलब जो बाहर जो मांड है आलू में वो निकल जाएगी। ज़्यादा देर नहीं रखना है फिटकरी को। आप एक बार फिटकरी का डल्ला लेकर उसमें अच्छी तरह घुमा दीजिए और फिर इसको 15-20 सेकेंड के लिए रहने दीजिए और जो भी जो सरफेस स्टार्च है ना वो निकल जाएगा। तो मैंने इसको 20 सेकंड के लिए घुमा दिया है अंदर अच्छी तरह। पानी देख सकते हो आप, धुंधला होने लग चुका है, क्लाउडी होने लग चुका है। अब ये आलू को 10 मिनट के लिए ऐसे ही आराम करने देंगे फिटकरी के पानी में। इससे क्या होगा, जो भी सरफेस स्टार्च है ना वो फट जाएगा और निकल जाएगा। ये इजी तरीका हो गया दोस्तों इसको हटाने का, वरना उबालना वाला स्टेप रहता है दोस्तों। तो ये हो चुका है, आप देख सकते हो धुंधला हो चुका है पानी और इसमें दाने दाने दिख रहे हो गए आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब क्या करेंगे, हम लोग आलू को निकाल लेंगे। आलू कड़े भी हो चुके हैं, फर्म हो चुके हैं। अब आलू को निकाल कर हम लोग इसके चिप्स बनाएंगे। तो चिप्स बनाने के लिए आप कोशिश करिएगा ऐसे बिना सेटिंग वाला चिप्स निकालने का ढूंढिएगा, क्योंकि जो ये सेटिंग करने वाला होता है ना घुमाने वाला, ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसी रीज़न की वजह से मैं आपको ऐसा फिक्स वाला इस्तेमाल करना रेकमेंड करूँगा। अब चिप्स निकालने का जो स्टेप है वो बहुत सिंपल है, आपको बस आलू लेना है और फिर उसको ऐसे निकालना है। इसमें प्रेशर नहीं लगाना है आपको, एकदम ऐसे फटाफट से निकालना है जोर बिना लगाए। तो आप देख सकते हो हम लोग की चिप्स ऐसे निकल जाएगी। अब ये जो स्टेप है वो तेल के ऊपर करना है, क्योंकि मैं क्या मानता हूँ, जो आलू जो रहता है ना उसको आप जितना जल्दी तेल के अंदर डालेंगे छीलते साथ उतना बेटर रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसमें जो अपना नेचुरल मॉइस्चर रहता है ना उसको धोना नहीं चाहिए, ये मैं मानता हूँ ये रेसिपी के लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे। मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है, तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन ये स्टेप में आपको तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग ऑयल बॉइलिंग करेंगे। ये एक तरीके की टेक्निक है जिसमें तेल ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, हल्का सा गुनगुना गर्म रहता है और आलू उसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से आलू एक तरीके से तेल में उबलता है और फिर वो बहुत क्रिस्पी हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैं एक आलू ले रहा हूँ और फिर अपने जो चिप्स बनाने का मशीन है ना उससे ऐसे उसके ऊपर स्लाइस कर रहा हूँ 4 से 5 इंची ऊपर। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ये पूरा आलू ख़त्म हो जाता है ना इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई पर रखा है और इसका जो मेन स्टेप है इसको कंटिन्यू चलाने का है, क्योंकि आलू जो है ना वो अभी ही पक रहा है, मतलब पूरा कच्चा है। तो मेन जो चीज़ है इसको कंटिन्यू चलाने का है ताकि ये कच्चा पक्का ना रहे। इससे क्या होता है कि अगर आलू चिपके हुए भी है, मतलब 2-3 स्लाइस एक बार चिपकी हुई भी है ये स्टेप से, तो भी वो पूरी क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये जो स्टेप है मैं पूरा स्पीड में कर देता हूँ और फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। आप देख सकते हो कैसे ये जो चिप्स है ना धीरे धीरे हल्की हो रही है, बहुत क्रिस्पी हो रही है, और जो कुछ चिप्स है वो गोल्डन भी हो रही है।
तो जब ये गोल्डन हो जाती है तब हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये जो स्टेप है फ्राई करने का, इसमें टाइम लगेगी लेकिन जो मेहनत है ना वो पूरी सफल होगी, क्योंकि ये जो स्टेप है बहुत ही बढ़िया वाला है। तो आप भी ट्राई करिएगा। ये जो मेरी पहली बैच है चिप्स की वो तैयार है। इसको आप टिश्यू पेपर में मत रखिएगा, टिश्यू पेपर में स्टीम बन जाती है नीचे की तरफ, जिसके वजह से चिप्स है ना नरम हो जाती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पतीला में ये चिप्स को डाल देंगे और फिर गरम गरम चिप्स के ऊपर नमक और लाल मिर्च छिड़केंगे और मिक्स कर देंगे। ये जो हम लोग के घर में बनी हुई इंस्टेंट हॉट पटेटो चिप्स है वो तैयार है। एक दो मैं आपको खाकर सुनाता हूँ। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है दोस्तों। अब हम लोग वापस दूसरा बैच बनाएंगे, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने तेल की गैस को बंद कर दिया था। और जो स्टेप है वो सिंपल है, मतलब आलू को आपको ऐसे स्लाइस करना है और फिर इसको कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करना है। मेन चीज़ वही है ये स्टेप में। और एक और चीज़ क्या है कि आपको इसमें आलू ज़्यादा से ज़्यादा डालना है। अगर आप ज़्यादा आलू डालेंगे तो फ्राइंग का प्रोसेस इवनली होगा, मतलब सारी जो चिप्स है वो एक तरीके से अंदर तक पकेगी। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, चिप्स बाहर बाहर से पक जाती है और बीच से कच्ची और नरम रह जाती है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए ज़्यादा आलू रहने चाहिए तेल में और फ्लेम मीडियम गरम रहना चाहिए। अगर हाई फ्लेम रहेगी तो बाहर से पक जाएगा, और अगर ज़्यादा लो रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं है, बस ज़्यादा टाइम लगेगी इसको फ्राई करने में। जब सेकेंड बैच जो है वो गोल्डन हो जाती है तो मैं पहली वाली को प्लेट में निकाल लेता हूँ और वही पतीली में फिर से चिप्स निकाल कर मैं उसके ऊपर नमक और लाल मिर्ची पाउडर छिड़क दूंगा और इसको फटाफट मिक्स कर सर्व करूँगा। ये जो चिप्स है 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। तो आप भी बनाइएगा और ट्राई करके नीचे कमेंट करिएगा कि आपको ये कैसा लगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक बटन भी दबाइएगा। तो दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस तो दिखाई दिया है। अगर आप आलू को टेढ़ा पील करोगे या फिर स्लाइस करोगे तो चिप्स लंबी भी बन जाएगी। रेसिपी सिंपल है और ये जो चिप्स है ना ये फ्राई होने के बाद 30 मिनट बाद और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। तो आप भी ट्राई करिएगा। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब मेन चीज़ आलू है, ये तेल में बॉईल करने की टेक्निक है और फिटकरी मिलाने की टेक्निक है, बाकी सब तो सिंपल चीज़ है। और मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ, जब ये चिप्स ठंडी हो जाती है तब मैं आपको ये खाकर सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ही क्रंची चिप्स है और साथ में अगर दो चिप्स चिपकी भी है ना तो भी वो बहुत ज़्यादा क्रंची है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है दूसरे मेथड्स में, जब हम लोग दूसरे आलू के साथ बनाते हैं तो वो नरम रह जाता है। तो आप भी ऐसे ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा।